और पाकिस्तान में तैनात गैर मुल्की सफीरों का LOC का दौरा। ईरानी सफीर ने विजिट कराने पर DGISPR का शुक्रिया अदा किया। यूरोपीय यूनियन सफीर का कहना है कि कंट्रोल लाइन पर मुतासरा लोगों से बातचीत का मौका मिला। बरतानवी सिफारतकार ने तालीमी सहूलियात की फराहमी का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान में तैनात गैर मुल्की सफीरों ने LOC के दौरे के हवाले से तस्वीर ट्वीट कर दी, जिनमें LOC विजिट के बेहतरीन इंतजाम पर DGISPR का शुक्रिया अदा किया गया। गैर मुल्की सिफारतकारों का कहना था कि हमारा LOC का दौरा बड़े मुनज्जम अंदाज में तरतीब दिया गया। यूरोपीय यूनियन सफीर ने कहा LOC तनाजे से मुतासरा कुछ लोगों से बातचीत का मौका मिला। बरतानवी सिफारतकार ने LOC पर भी तालीम की सहूलियात की मुकम्मल फ्राहमी का मुशाहिदा किया। ईरानी सफीर ने कहा डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को LOC का दौरा कराने पर DGISPR के मशकूर है। अज़रबैजान के सफीर ने वापसी पर खैर वाफियत और महफूज वापसी का ट्वीट किया। गुज़िश्ता रोज भारतीय फोर्सेस की LOC की खिलाफ वर्जियों का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मुमालिक के सुफरा और दिफाई अताशी ने कंट्रोल लाइन का दौरा किया था, जहां DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से उन्हें ब्रीफिंग दी गई थी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ब्रीफिंग में कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। 2014 से जंगबंदी मुआहदों की खिलाफ वर्जियों में शदीद इजाफा हुआ है। भारतीय फौज की जानिब से भारतीय हथियारों के जरिए सिविल आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। इश्तियाल अंगेजियों का मकसद दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर से हटाना है।